हेलो फ्रेंड्स, आप लोग विभिन्न तैयारियों के क्रम में जुड़ चुके हैं और उसी क्रम में भारतीय संविधान के टॉपिक को बढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। भारतीय संविधान बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यदि आपने एक बार अच्छे से काम कर लिया तो नो डाउट क्या होता है कि कमांड भी बहुत अच्छे से होता है। इस पर भारतीय संविधान की विशेषता यानी भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था का जो टॉपिक होता है वह लगभग हर एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है और लगभग एक बार यदि आप उसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो देखें मित्रों, आज हम लोग जो है संविधान सभा का टॉपिक पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि भारत का जो संविधान बना वो तो किसने बनाया, तो जैसा कि आपको मन में आएगा, आपने छोटी किताबों में पढ़ा कि भारत का संविधान किसने बनाया, तो भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। जब रॉन्ग है ये, भारत का संविधान किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, भारत का संविधान बनाया संविधान सभा ने। यानी भारत का संविधान किसने बनाया तो राइट उत्तर क्या होगा, संविधान सभा ने बनाया है। अब अगर हम लोग बात करें कि संविधान सभा ने संविधान बनाया तो कैसे इसका विकास क्रम हुआ, ये संविधान सभा बनी कैसे, क्या इसका क्रम रहा, अब उसको हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की अनौपचारिक मांग संविधान सभा की सर्वप्रथम अनौपचारिक मांग किया था मोतीलाल नेहरू जी ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किया था। यानी संविधान सभा की सर्वप्रथम अनौपचारिक मांग किसने किया था, तो राइट उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू ने किया था। अनौपचारिक का मतलब यह होता है कि यूं ही मन में आया, बोल दिया उन्होंने मंच से। इसके पहले थोड़ा सा गांधी जी ने भी सुगबुगाहट कर दिया था कि भारत का जब भी संविधान बनेगा जनता के द्वारा निर्धारित चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होगा, लेकिन औपचारिक रूप से अगर होगा तो किसने किया, मोतीलाल नेहरू ने किया। अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में सर्वप्रथम औपचारिक रूप से क्या औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग, यानी औपचारिक रूप से जो मांग किया इस चीज की मांग, तो संविधान सभा की मांग वो एम एन राय ने किया था। यानी औपचारिक रूप से संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग किया वह किसने किया, तो राइट उत्तर होगा एम एन राय अर्थात मानवेंद्रनाथ राय ने किया। अब अगर प्रश्न ये हो जाए कि मांग तो व्यक्ति के स्तर पर सबसे पहले मोतीलाल नेहरू जी ने किया, बाद में इसको औपचारिक रूप से विधिवत रूप से किया आपका एम एन राय ने। अब अगर प्रश्न यह बात का उठे कि सर्वप्रथम किस संस्था ने, शब्दों को ध्यान देना, व्यक्ति में एम एन राय औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से मोतीलाल नेहरू जी ने, अगर प्रश्न यह उठ जाए कि संविधान सभा की सर्वप्रथम जो मांग है वो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किस पार्टी ने सबसे पहली बार किया, तो आपका उत्तर होगा स्वराज्य पार्टी ने किया। यानी अगर पार्टी पूछता है तो राइट उत्तर होगा स्वराज्य पार्टी ने किया। यानी संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किस पार्टी ने किया, तो राइट उत्तर होगा स्वराज्य पार्टी ने किया। प्रश्न अब यह उठेगा, क्योंकि स्वराज्य पार्टी ने तो किया, राइट है, लेकिन क्योंकि स्वराज्य पार्टी एक छोटी पार्टी थी,
स्वराज पार्टी एक छोटी पार्टी थी और इसने जो डिमांड किया वर्ष 1934 में, और जबकि इसकी स्थापना हुआ था वर्ष 1924 में, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया और इसी पार्टी ने ही सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किया। यानी एमएन राय और स्वराज पार्टी में क्या अंतर, व्यक्ति के स्तर पर औपचारिक रूप से एमएन राय ने, लेकिन पार्टी के स्तर पर किसने, स्वराज पार्टी ने, क्योंकि भारत की सबसे लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। अगर किसी मांग को कांग्रेस पार्टी जब तक उसको नहीं करती थी तब तक उसकी मांग में कोई वजन नहीं होता था। तो इसीलिए प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कांग्रेस पार्टी ने कब किया था। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1936 में किया। यानी लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1900, कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय पार्टी थी, पूरे भारत में उसका विस्तार था, उस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता जुड़े हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने अपने किस मंच से, जब लखनऊ अधिवेशन हर साल बैठक होती थी, तो जब लखनऊ अधिवेशन हुआ वर्ष 1936 में और जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू, यानी कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1936 में क्या किया, संविधान सभा की मांग किया कि हमारा संविधान जब भी बनेगा, कोई अंग्रेज नहीं बनाएगा, कोई व्यक्ति नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा, एक संविधान सभा बनाएगी। कोई अंग्रेज अकेले बनाएगा तो अकेले में कुछ भी बनता है गलती होगा, लेकिन अगर सामूहिक रूप से डिस्कशन करके कोई भी अगर संविधान बनेगा या कुछ भी बनता है तो वह बेहतर बनने की संभावना। यानी यहां से हम लोगों ने चार पॉइंट किया, आपको क्लियर भी हो गया होगा कि यानी अनौपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग मोतीलाल, औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग एमएन राय, किस पार्टी ने संविधान सभा की मांग किया, स्वराज पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने कब किया, लखनऊ अधिवेशन 1936। ये तो मांग चल रही, मांग महत्वपूर्ण यह है कि जो मांग चल रही है वह मांग किसको एक्सेप्ट करना है, ब्रिटिश सरकार, क्योंकि हम लोग लगभग ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश थे, गुलाम थे, तो ब्रिटिश सरकार को यह स्वीकार करना था कि हाँ भाई ठीक है, जब आपका संविधान बनेगा तो हम लोग नहीं बनाएंगे, कोई भारतीय नहीं बनाएगा, संविधान सभा ही बनाएगी। इस बात को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब स्वीकार किया, तो ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहली बार स्वीकार किया वर्ष 1940 में। कब स्वीकार किया, अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है और इसको लाता कौन है, तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिनिथगो, उसने ही क्या किया, अगस्त प्रस्ताव लाया। क्यों लाया, तो अगस्त प्रस्ताव लाने का जो प्रयोजन था वह क्या था, एक्चुअल में सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था 1939 से 45। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही घोषणा किया जाता है कि द्वितीय विश्व शुरू हो गया, भारतीयों ने यह घोषणा कर दिया कि भारतीय जो लोग होंगे वह द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। परिणाम क्या हुआ कि भारतीयों को मनाने के लिए सर्वप्रथम अगस्त प्रस्ताव में अनौपचारिक रूप से, ध्यान दीजिएगा, अनौपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार इस बात पर सहमत हो गई कि भाई ठीक है, भारत का संविधान जब भी बनेगा वह क्या होगा, हम क्या करेंगे, संविधान सभा के द्वारा ही संविधान बनाएंगे। यानी अगर प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को अनौपचारिक रूप से कब स्वीकार किया, तो उत्तर होगा वर्ष 1940 अगस्त प्रस्ताव में। ध्यान दीजिएगा, यह लेकिन अनौपचारिक था, औपचारिक रूप का मतलब क्या होगा, विधिवत रूप से, लिखित रूप से। अनौपचारिक का मतलब केवल घोषणा कर दिया, औपचारिक रूप से
संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1942 ट्रिप्स मिशन के माध्यम से स्वीकार किया। कब स्वीकार किया? क्रिप्स मिशन के माध्यम से स्वीकार किया। यानी क्रिप्स मिशन भारत में वर्ष 1942 में आता है और इसके जो अध्यक्ष थे एकल सदस्य था, अध्यक्ष थे एडवर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर उसमें कैबिनेट मिशन में थे। तो एडवर्ड क्रिप्स जो इसके अध्यक्ष थे, इन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसमें संविधान सभा की मांग को विधिवत रूप से आपका औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया कि संविधान सभा भारत का जब भी संविधान बनेगा अंग्रेज नहीं बनाएंगे, कोई भारतीय नहीं बनाएगा, संविधान सभा ही बनाएगी। इस बात को स्वीकार कर लिया किसके माध्यम से? क्रिप्स मिशन 1942 के माध्यम से। तो ध्यान ये दीजिएगा, अब इसके बाद हम लोग आगे बात करें, लेकिन संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? तो संविधान सभा का गठन होता है कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 के सुझाव पर, यानी यहां से हमारे पास तीन पॉइंट मिला कि संविधान सभा की मांग को सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने अनौपचारिक रूप से कब स्वीकार किया। तो राइट उत्तर होगा अगस्त प्रस्ताव। अगर यह कर लिया कि ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को औपचारिक रूप से कब स्वीकार किया, तो क्रिप्स मिशन 1942। लेकिन सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन किसके सुझाव पर हुआ, तो राइट उत्तर होगा कैबिनेट मिशन के सुझाव पर। और कैबिनेट मिशन त्रिसदस्यीय था, इसके अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस। और इसमें दो सदस्य और भी थे, आपका एवी अलेक्जेंडर और आपका एडवर्ड क्रिप्स, इसके भी सदस्य थे। अब कैबिनेट मिशन ने क्या सुझाव दिया, यानी ये आपके पॉइंट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण पॉइंट, केवल हम तो चर्चा ही कर रहे हैं महत्वपूर्ण पॉइंट की अब, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह कौन सा है, वह आपका कैबिनेट मिशन अति महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ा जाए तो ये देखेंगे कि संविधान सभा के संबंध में कैबिनेट मिशन ने क्या सुझाव दिया। तो क्या क्या सुझाव दिया उसको देते हैं। देखेंगे कैबिनेट मिशन ने क्या सुझाव दिया। सुझाव यह दिया कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे संविधान सभा में? कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें 15 महिलाएं होंगी। ध्यान दीजिएगा, यह जो 389 सदस्य होंगे इसमें से 292 जो सदस्य होंगे वह राज्यों से चुने जाएंगे। उस समय जैसे आज भारत में कुल 28 राज्य हैं, उस समय भारत में कुल आपके 12 राज्य होया करते थे, उन्हीं 12 राज्यों से चुने जाएंगे, 4 प्रेसिडेंसी क्षेत्रों से चुने जाएंगे। जैसे राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश होता, वैसे उस समय प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे। और जो 93 सदस्य होंगे वह देशी रियासतों से चुने जाएंगे। भारत में लगभग 562 देशी रियासतें थी, वहां से चुने जाएंगे कितने लोग, तो आपके 93 सदस्य, 292 किससे, आपके राज्यों से 4। ये तो डिसाइड किया कैबिनेट मिशन ने। यह भी बोला कि जो एक संविधान सभा का एक सदस्य होगा वह 1,000,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। यानी जो संविधान सभा का एक मेंबर होगा वह कितने लाख प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करेगा, तो 1,000,000 पर एक व्यक्ति चुना जाएगा।
संविधान सभा का चुनाव, चुनाव दो तरीके से होता है, प्रत्यक्ष चुनाव भी होता है और अप्रत्यक्ष चुनाव भी होता है। तो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव होगा वह कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा। डायरेक्ट जनता उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, बल्कि राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव होगा। यानी अप्रत्यक्ष में कौन लेंगे चुनाव में? राज्यों में विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होगा। दूसरा चीज ये समझिएगा कि जो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ वो हुआ कब? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। चुनाव होगा तो रिजल्ट भी आएगा। तो चुनाव में क्या रिजल्ट आया? तो जो 292 सदस्यों पर चुनाव हुआ, तो इस चुनाव में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? तो मुस्लिम लीग को कुल 73 सीटें मिली। इसके अलावा जो सीटें बची हैं वह कुछ कहां से? तो आपकी छोटी छोटी पार्टियों से चुनाव में जीते। यानी 208 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली और 73 सीटें किसको मिली? तो राइट उत्तर होगा मुस्लिम लीग को। ये देसी रियासत के जो मेंबर चुने गए, तो देसी रियासतों के जो मेंबर चुने गए, चुनाव नहीं हुआ, बल्कि जो राजा लोग थे वो मनोनीत करके भेजे थे, अर्थात इनका जो इनके जो सदस्य गए थे संविधान सभा में वह क्या थे? तो इसमें आपके मनोनीत किए हुए सदस्य थे। एक चीज और समझिएगा, संविधान सभा में सबसे ज्यादा कहां से जाते हैं सदस्य? तो सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत से चुने जाते हैं सदस्य। कहां से? संयुक्त प्रांत से। संयुक्त प्रांत यानी संविधान सभा में सबसे ज्यादा जो सदस्य चुने गए वह कहां से चुने गए? तो संयुक्त प्रांत से चुने गए। संयुक्त प्रांत का मतलब क्या होता है? उत्तर प्रदेश जो आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का पहले जो नाम था वो संयुक्त प्रांत था। यानी संविधान सभा में सबसे ज्यादा जो सदस्य चुने गए वो कहां से? संयुक्त प्रांत से। ध्यान दीजिएगा कि जो भारत में कुल देसी रियासतें थी उसमें हैदराबाद जो देसी रियासत थी उसने यह क्या दिया कि हम क्या करेंगे? हम संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, संविधान सभा के चुनाव में कौन सी देसी रियासत भाग नहीं लिया था? तो राइट उत्तर आपको क्या देना होगा? तो आपको राइट उत्तर देना होगा क्या? हैदराबाद देसी रियासत ने। कहां से सबसे ज्यादा सदस्य चुने गए? तो राइट उत्तर क्या देना है? संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा सदस्य चुने गए। अब अगर हम लोग कुछ और बातें कर लें, क्या बातें? जैसे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से चुने गए थे? तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव पहली बार तो मुंबई से चुनाव लड़े, लेकिन एक्चुअल में संविधान सभा में वो चुनाव ही हार जाते हैं। तो बाद में कांग्रेस पार्टी से वो क्या हुए? कांग्रेस पार्टी से उनको कहां से चुनाव? पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़ाया जाता है और पूर्वी बंगाल से वो चुनाव जीत जाते हैं। पूर्वी बंगाल का मतलब होता है वर्तमान का जो क्षेत्र है कौन सा? तो वर्तमान का जो क्षेत्र है बांग्लादेश, वही एरिया पूर्वी बंगाल का पहले कहलाता था। चुनाव हुआ, यहां पे चुनाव जीत गए। लेकिन क्या होता है, वर्ष 1947 में पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र था वह कहां चला जाता है? पाकिस्तान में। तो अगर वह एरिया चला गया, इसका मतलब यह होता है कि क्या होगा कि वह जब एरिया चला गया, इसका मतलब यह हुआ कि
कि वह पूरा का पूरा एरिया इनकी उनकी सदस्यता भी खत्म हो गई। परिणाम क्या होता है कि पुनः हुआ मुंबई यानी बंबई प्रांत से फिर से वह चुनाव लड़ते हैं, फिर से चुनाव जीतते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि संविधान सभा में सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से चुने गए थे, तो राइट उत्तर आपको देना होगा पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। यदि आपसे यह प्रश्न किया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां के सदस्य थे, तो अब उत्तर आपको देना है बंबई से वे सदस्य थे। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो संविधान सभा का चुनाव हुआ वो एक प्रयोजन से हुआ है कि संविधान बनाना है उसको, तो संविधान बनाने के लिए इन सारे सदस्यों को चुनाव होना, जब हो गया सबको इकट्ठा होना होगा। अब सारे लोग संविधान सभा के लोग इकट्ठा होते हैं कहां पर, तो दिल्ली में सारे लोगों को इकट्ठा हुए तब, यानी संविधान सभा कि जो सर्वप्रथम बैठक होती है वह कहां पर होती है उसको हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सारे सदस्य इकट्ठा होते हैं कहां पर, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, तो राइट उत्तर देना है 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान दीजिएगा, संविधान बनाना बड़ा पवित्र का कार्य है। अलग अलग एरिया से लोग आए, अलग अलग क्षेत्र से आए, अलग अलग जाति से आए। अब सोचिए, अलग अलग जो अपने क्षेत्रीय भावना से, अपने जातिगत भावना से, अपने धर्मगत भावना से ऊपर उठ करके संविधान नहीं बनेगा तो संविधान अच्छा नहीं बन पाएगा। इसीलिए संविधान सभा के जो सदस्य आए उनको शपथ दिलवाना जरूरी था। जो शपथ दिलाता है उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में जो शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, वह किसको बनाया गया, तो राइट उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया, क्या बनाया गया, संविधान सभा की प्रथम बैठक में उनको शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान सभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था, तो राइट उत्तर देना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यह प्रश्न किया गया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो ध्यान यदि ना है आपको कि जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे वह आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अभी परीक्षा हुआ सुपर टेट का, वहां यह प्रश्न पूछ लिया गया कि संविधान सभा में प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो दिमाग में आने लगा यार ये तो एग्जाम में ना तो स्थाई दिया ना अस्थाई दिया। अब किसी का मन वो लगा कि शायद ये लग रहा है अस्थाई वाला, किसी ने लगा दिया अस्थाई वाला, यानी वहां पे गड़बड़ हो गया। तो यानी आपको ध्यान देना है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष, तो तुरंत लगाना कि जब प्रथम बैठक 9 दिसंबर और 9 दिसंबर को कौन बना है, सच्चिदानंद सिन्हा, यानी संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया उसी दिन। एक कई चीज है। अब ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा का उद्घाटन कब हुआ, 9 दिसंबर को, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान सभा का उद्घाटन अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा का उद्घाटन अध्यक्ष भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। अगर प्रश्न यह कर लिया जाए कि संविधान सभा का अस्थाई मतलब एक ही दिन के लिए अध्यक्ष, तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था, तो राइट उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा।
यानी यहां से चार प्रश्न आने हैं आपके एग्जाम में। क्या क्या? प्रोटेम स्पीकर, संविधान सभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो राइट उत्तर देना है सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो राइट उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का उद्घाटन अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? अब 9 दिसंबर के दिन केवल इतना ही काम हुआ, केवल सदस्यों को शपथ दिला दिया गया, काम ओके, उस दिन छुट्टी किया गया। केवल उसी दिन छुट्टी नहीं, ठंडी का सीजन, दिसंबर का महीना, अगले दिन भी छुट्टी। अगर अगले दिन भी छुट्टी, इसका मतलब 10 तारीख को, 10 दिसंबर को छुट्टी, तो अगली बैठक कब होगी? संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ। अब सदस्यों को शपथ दिलवाया जा चुका है, अब अगले दिन क्या काम होगा? अब संविधान सभा का एक अध्यक्ष चाहिए, तो प्रश्न पूछा जाएगा संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? देखिएगा, फिर गड़बड़ी करेंगे आप। संविधान सभा का अध्यक्ष, संविधान सभा का अध्यक्ष, अब ध्यान दीजिएगा, मैं प्रथम अध्यक्ष नहीं बोल रहा हूं, प्रथम अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा हो चुके हैं, उद्घाटन अध्यक्ष भी नहीं बोल रहा हूं, कुछ नहीं बोला, केवल अध्यक्ष बताओ। तो संविधान सभा का अध्यक्ष यदि पूछता है तो उत्तर देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वह मात्र एक दिन के लिए अध्यक्ष थे, इसके बाद इन्होंने अध्यक्षता नहीं किया। लेकिन संविधान सभा की जो 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान सभा की जो बैठक चली, उसकी अध्यक्षता किया था किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यानी संविधान सभा के अध्यक्ष किसको मनाया गया? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब लेकिन यदि यह पूछ ले कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तब भी उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शब्दों का माया जाल है, यानी चाहे आपसे संविधान सभा का अध्यक्ष पूछे या फिर क्या पूछे, या फिर आपसे पूछे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, तो दोनों का उत्तर देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया सबको, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम लोग और आगे बात करें, अब इसी दिन एक काम और भी होता है, बड़ा महत्वपूर्ण था और बहुत परीक्षा में पूछा भी जाता है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया किसको? तो राइट उत्तर होगा वी एन राव को। यानी वी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। हाँ, यह बात अलग का है, किसी दिन एक अध्यक्ष थे तो एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया, एस एन मुखर्जी को आपका क्या बनाया गया था? संविधान सभा का अध्यक्ष भी बनाया गया। मुखर्जी आपके बहुत ज्यादा कठिनाई हो जाएगा, यानी लेकिन ये याद करके रखना होगा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी आर राव को, संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, स्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र, सबको। अब देखें यहां तक तो काम ओके हो चुका, अब कुछ और काम करना होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि अब अध्यक्ष भी हो गया, सबको शपथ पत्र दिलवा दिया गया, अब कुछ काम की बातें चले हैं, यानी संविधान सभा में अब कुछ काम वाली बातें चलेंगी, यानी कुछ अब आगे बढ़ा जाए। तो ध्यान दीजिएगा, ठंडी का सीजन था ही, हमने जैसा बताया व्यवस्था नहीं था लोगों के पास, तो एक दिन की छुट्टी फिर से कर दिया गया, यानी आपका 11 दिसंबर को अध्यक्ष बने, अब इसके बाद फिर से एक दिन की छुट्टी का मतलब यह है कि अगली बैठक कब होगी? तो 13 दिसंबर को होगी। 13 दिसंबर को संविधान सभा की अगली बैठक हो रही है, अब उस दिन कुछ काम क्या हुआ वो हम लोग देखते हैं। संविधान सभा की जो अगली बैठक हुई वह 13 दिसंबर 1946 को हुई। जो संविधान सभा की जो बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ, उस दिन बहुत तगड़ा काम हुआ।
क्या काम हुआ, इसी दिन संविधान सभा के समक्ष किसने, संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके समक्ष, संविधान सभा के समक्ष किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, तो आपका उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या रखा, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि हमारा संविधान जो बनेगा उसका उद्देश्य क्या होगा, यानी जो उद्देश्य होगा इसका उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। बाद में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह इसी उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है। ध्यान दीजिएगा, ये उद्देश्य प्रस्ताव कई तारीख को रखा, 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा, आपका पंडित जवाहर। यह जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1946 को क्या हो गया, पास भी हो गया। 22 जनवरी 1946 कैसे आ जाएगा, दिसंबर का महीना, अगला साल क्या होगा, 47 होगा। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, संविधान सभा के समक्ष जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था वह सर्वसम्मति से पास भी हो गया। अब इसके बाद कुछ और काम करना होगा, काम की कुछ और बातें बढ़ानी होगी, यानी अब काम और आगे क्या। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा ने काम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो काम किया वो बीएन राव ने किया। बीएन राव ने क्या काम किया कि सबसे पहला, अगर क्वेश्चन आपके लिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन होगा, संविधान सभा के जो मेंबर थे बीएन राव साहब, उन्होंने क्या काम किया, संविधान का, भारतीय संविधान का सर्वप्रथम ड्राफ्ट तैयार किया। यानी बीएन राव ने सबसे पहली बार संविधान सब भारतीय संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का सर्वप्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, तो उत्तर देना होगा किसने तैयार किया, बी एन राव ने तैयार किया। किस चीज का, भारतीय संविधान का सर्वप्रथम प्रारूप। प्रारूप का मतलब एक डिजाइन दिया कि भाई देखा ऐसे ऐसे लिखना होगा, हम लोगों को इसी तरीके से काम करना होगा। अब उसी ड्राफ्ट पर, उसी प्रारूप पर विधिवत काम शुरू होता है, और इसीलिए जो बीएन राव ने प्रारूप तैयार किया उसी प्रारूप को ध्यान में रख करके ही एक प्रारूप समिति बनाई जाती। इस प्रारूप समिति का जो गठन होता है ये कब होता है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है, और कब होता है, 29 अगस्त 1947 को। इसमें कुल 7 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। इसमें एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे। ध्यान दीजिएगा, प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके क्या उत्तर देना होगा, तो पांडुलेखन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल अन्य सदस्य कितने थे, तो राइट उत्तर होगा 6 सदस्य थे। इसमें जैसे गोपाला स्वामी अय्यर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अयंगर, इसके अलावा के एम मुंशी, सादुल्ला, माधवराव, डीपी खेतान, ये इसके कुल क्यों थे, 6 अन्य सदस्य थे। ध्यान दीजिएगा, प्रारूप समिति ने काम शुरू किया। इसमें जो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे वो के एम मुंशी थे, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है।
एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के एम मुंशी थे। अब इसके बाद अगर हम लोग और आगे बात पढ़ें, जैसे कुछ और भी संविधान में समितियां थी और उन समितियों से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करें कि और कौन सी समितियां थी, जैसे आपका संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट उत्तर होगा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर हम लोग बात कर लें संघ शक्ति समिति, तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वह भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब अगर हम लोग बात कर लें कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब अगर बात किया जाए मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर बात कर लिया जाए अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, तब उत्तर हो जाएगा क्या, तो उत्तर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अगर हम कुछ और बातें करें, तो जैसे रियासत समिति, बहुत गलती होने का चांस है, रियासत समिति का अध्यक्ष ध्यान नहीं देंगे तो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल लगाएंगे, जबकि इसका राइट उत्तर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर क्या देना है, रियासत समिति के अध्यक्ष थे आपके कौन, तो राइट उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष भी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न बड़ा विवादित चलता है आपका झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वह भी उत्तर आपको देना है क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, यानी इन समितियों के अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी, तो राइट उत्तर देना है संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी, तो उत्तर देना होगा आपको संविधान सभा में कुल 12 समितियां थी। कितनी समितियां, तो संविधान सभा में कुल 12 समितियां थी। अब इसके अलावा कुछ और आगे बात पढ़ाई जाए। अब संविधान सभा के प्रथम वक्ता बोलने वाले कौन थे, तो संविधान सभा में प्रथम वक्ता थे डॉक्टर कौन, राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे। यानी सर्व संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन थे, तो राइट उत्तर देना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात कर लें कि संविधान सभा, जो हमारा संविधान सभा ने जो संविधान बनाया वो कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, तो उत्तर होगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ। लगभग उस पर कितने लाख, 64 लाख रुपए खर्च हुए संविधान को बनाने में। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हो रही है वह कब होती है,
संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और संविधान सभा के 284 सदस्यों ने, कितने सदस्यों में से, तो 389 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर क्या किया, हस्ताक्षर किया। और कितने सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने कब किया, 24 जनवरी 1950 को किया, जिसमें 8 महिलाएं भी थी। कितनी महिलाएं थी उसमें, तो 8 महिला भी उसमें थी। संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी, जैसा कि आपको पता चल चुका है कुल कितनी महिलाएं थी, तो संविधान सभा में कुल कितनी, आपका 15 महिलाएं थी। अब अगर हम लोग बात कर लें कि संविधान सभा में ये काम चल ही रहा था, संविधान सभा पे कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिया, इसमें 8 महिलाएं थी। अब कुछ और ये बातें किया जाए कि जो संविधान सभा ने संविधान बनाया वह क्या हुआ, 26 नवंबर 1949, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा गलती भी होता है यहां। भारतीय संविधान जो बना वो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकार किया गया। यानी चाहे वो अपनाना पूछे कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, तो उत्तर देना है 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया, तो राइट उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। यदि आपसे यह प्रश्न भी कर ले कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो भी आपका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया, तब भी उत्तर क्या होगा, 26 नवंबर 1949 ही हम लोग लगाएंगे। अब अगर और कुछ और आगे बात करें, यानी 26 नवंबर और एक जो दूसरी डेट है वह है 26 जनवरी 1950। तो इस दिन क्या हुआ, कि भारतीय संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो अब उत्तर देना रहेगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगर यह प्रश्न कर लिया जाता है कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ, तब भी उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। इसका मतलब अंशतः कुछ लागू हो चुका था। अगर यह कर दे कि भारतीय संविधान अंशतः कब लागू हुआ, तो उत्तर देंगे 26 नवंबर 1949। अंशतः कुछ पार्ट 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, लेकिन पूरी तरीके से जो संविधान बना और लागू कब हुआ, तब उत्तर देना है आपको 26 जनवरी 1950 को। ध्यान दीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारत में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट उत्तर क्या लगाना है आपको, जेबी कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता के समय क्या थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो राइट उत्तर आपको लगाना है लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब अगर यह प्रश्न कर लिया जाए कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो उत्तर देना है क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी से थे, वह उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। संविधान सभा के कुल कितने वाचन हुए थे, तो संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए थे। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो 12 बैठकें हुई थी। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा
में कुल कितनी बैठकें हुई, तो आपको क्या उत्तर देना है, 12 बैठकें हुई थी। इसके अलावा आपको जैसा आगे पढ़ेंगे इतिहास में कि अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे, तो अंतरिम सरकार में कुल 12 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे अंतरिम सरकार में, तो कुल 12 सदस्य थे। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी, संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई थी। क्लियर है, ये आपका एक पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इस पार्ट के अंतर्गत आपने क्या देखा, संविधान सभा से संबंधित उन तथ्यों को आपने गंभीर तरीके से पढ़ लिया जो आपकी परीक्षा में आते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे संविधान सभा से संबंधित। संविधान सभा से नहीं, अब आगे जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा भारतीय संविधान का जो भाग है और जो उद्देशिका है और जो आपका क्या है अनुसूचियां, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।